हेलो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज पेपर जो कि फाइनेंस अकाउंट स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर को करना, थोड़ा सा टाइम लेना स्टार्टिंग में पेपर को देखने के लिए, तब तक आपका जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पहले ही टफ आ जाए तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आसान क्वेश्चन भी होंगे। तो जस्ट पहले कुछ मिनट में सिर्फ पेपर को देख लेना, सो यू विल गेटिंग एन आइडिया। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है यार पेपर शायद टफ है, जो कि नहीं होता है, वो मतलब एग्जामिनर कभी कभी पेपर ऐसे टफ सेट करता है जो आपको लगता है कि टफ है, वो टफ नहीं होता है। तो उस केस में आप लोग क्या कर देना, आप पहले आसान आसान क्वेश्चन करते ना, क्योंकि जब आप पहले फेज में आधे एक घंटे में आसान आसान क्वेश्चन करोगे तो आपका वो प्रेशर सारा खत्म हो जाता है, और आप फिर जो आपको लगता है उस ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन आप उन पर भी फोकस करोगे, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर आपको लगेगा यार वो भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन को ऐसी जगह पर सेट किया जाता है कि बच्चे का वो नर्वसनेस टच किया वो टेस्ट किया जाए, ठीक है ना, कि बच्चा प्रेशर कितना हैंडल कर पाता है। क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो एक्सपेक्टेड है कि आपको कोई प्रेशर होगा वहां पे, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। हो सकता है एग्जामिनर ट्रिक्स कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ रखे, तो प्लीज पैनिक नहीं कर लेना। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बोल दिया था कि जिसमें डू नॉट आ रहा है, डज नॉट आ रहा है, या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट, इनको थोड़ा सा फोकस करके कर दिया करो, ठीक है मेरे दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ आप सबके साथ है। अच्छे से पेपर कर लेना, खुशी खुशी जाओ पेपर देने, और जो गलतियां आपने मॉक टेस्ट में की थी वो उनको सिर्फ याद करो कि यार वो गलतियां मुझे दोहरानी नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।